अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग विद हाशिम एंड आदिल। तो जैसा कि सबको पता है कि सहरी का टाइम हो चुका हुआ है और हमारी कज़न नूर फातिमा ने सहरी का सामान तैयार कर दिया हुआ है और आदिल जनाब अभी भी हमारा जो व्लॉग है ना उसको एडिट कर रहा है और मैं काफ़ी थक गया हुआ था इसलिए मैं सो गया था। तो मैंने कहा यार तुम ही एडिट करो, मैं अभी सोने लगा हूँ। तो मैं उठ चुका हूँ और वो बेचारा अभी तक, मैं 12 बजे सोया था और तकरीबन अभी टाइम हो चुका हुआ है 3 बजे और अभी तक वो लगा हुआ है एडिटिंग करने। आदिल थके नहीं हो तुम? आंखें थक गई है लेकिन अब मेरी आदत भी हो गई हुई है एडिटिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारे? और मेरी तरफ से सबको पांचवी सारी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हम आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उनको लाइक कमेंट जितना हो सकता है शेयर करें। ठीक है फाइनली गाइस सहरी बन चुकी है हमारी और अभी हम लोग बैठ गए हैं, ये सोई सूरत देख लें। तो यार अभी फिलहाल ना मैं बना रहा हूँ अपने मामू के फ़ोन पे क्योंकि मेरे वाले फ़ोन की हो चुकी है बैटरी ख़त्म, तो 17% है। तो यही से आप है 15 Pro Max का सी टाइप चार्जिंग मुझे मिला यहाँ पे। तो अभी बस हम करते हैं सहरी। तो जनाब अब हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली है और सबकी फेवरेट चीज़ आ चुकी है, खास तौर पे आदिल की तो सबसे ज़्यादा फेवरेट। बॉय यार सबकी सहरी में जरूरी भी है ना, हालात जरूरी नहीं मैं तो नहीं पीता। आशो देखो जैजी भी सहरी कर रही है, वो दिखा सकते। और ये हमारी जैजी है, ये भी जनाब सहरी कर रही है। चलो जी हाँ अभी कर रही है वो, देखो वो देखिए वो देखिए। जैसे पानी भी पी लेना फिर ना कहना हमने पानी नहीं देना। तो गाइस सहरी वगैरह हमारी हो गई है कंप्लीट, अब अजान का थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे और फिर इंशाल्लाह। तो जनाब अजानें जो है वो शुरू हो चुकी हुई हैं, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा अजानें ख़त्म हो गई हैं और अब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यार बाहर का सीन बड़ा कमाल के, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। ये है हमारी खाला के घर के बाहर का सीन, ये नीचे से लोग जाते हुए। लोगों में तो ना फ्लैश मारो क्या? नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, वो बेचारे आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं फटाफट नमाज के लिए जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि यार जल्दी जल्दी नमाज खड़ी कर दो। मैंने सोना है। तुमने नहीं सोना? नहीं सोना है, आंखें नहीं खुल रही। तो अभी हम वजू वगैरह करते हैं और चलते हैं नमाज के लिए इंशाल्लाह। तो गाइस मैं शोरूम पे पहुंच चुका हूं अभी और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे के। हम लोग सुबह सुबह उठ के सैरी करके तकरीबन 8 बजे हम लोग अपने अपने घर आ गए थे। मैं घर आ गया था और हाशिम बेकरी पे अपनी ड्यूटी पर। तो अभी 12 बजे मैं शोरूम पे आया और आते ही बिल्कुल हिम्मत नहीं थी हो रही, इतना थका था व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं था करा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं पूरे 30 दिन व्लॉगिंग करनी है तो एक दिन भी नहीं मिस होना चाहिए। तो मैंने फिर भी व्लॉग स्टार्ट कर लिया दोबारा से अपना, नहीं तो बिल्कुल नहीं था करा क्योंकि बहुत थकावट हुई और कुछ काम इतना ज़्यादा है। अभी ये फॉर्म है सारे, ये यहाँ पे सफाई में लगाने हैं, तकरीबन 150 बंदे का फॉर्म है जो सिंगल सिंगल में करके तो उसमें लगाना मैंने, तो मेरी तो पास हो चुकी हुई है अभी और अभी आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या होना है। और मुझे लगता है आज फिर अफ्तार जो है शोरूम पे है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं है शोरूम अफ्तारी करने का। भाई से बोला तो है कि मेरे घर जाना, अब देखिए क्या करते हैं भाई, बेहतर थोड़ा बहुत फ्री हो के अभी बैठते हैं रईस भाई पास। ओ ये क्या हो रहा है? यार बताओ ना फोटो बनाई किसने है? मैं अपनी फैमिली का बेस्ट फोटोग्राफर हूँ। तो यार अब बस दिल कर रहा है सोच रहे हैं कहीं पे जगह मिले। कैसे जा रहे रोजे? इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि मैंने 5 कट्ठे रोजे रख लिए, इधर 2 रख के बस। नहीं इस दफा पूरी नियत की कि इंशाल्लाह 30 रोजे रखने हैं पूरे इंशाल्लाह। गाइस मैं आ चुका था घर और फाइनली फाइनली आज पहली इफ्तारी मैं करूँगा अपने घर वालों के साथ। नहीं तो पहले 2 रोजे मेरे शोरूम पे, 3रा रोज़ा मेरा हाशिम लोगों के घर, 4था रोज़ा मेरा सियाल कोठा लोगों ने जो दावत की थी निफाद लोगों ने मुझे, और फाइनली आज पहला रोज़ा मैं अपने घर खोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बन रहा है इफ्तारी में आज? मैंने बताया सबको कि आज मेरा पहला रोज़ा मैं इफ्तार करूँगा अपने घर। क्या बन रहे हैं? शामी वगैरह बन रहे हैं।
चलो शुक्र है कुछ अच्छा बनेगा। तो अभी बस अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। मेरा ईद का कुर्ता जो है सिल चुका है, तो मैं अभी वो देखने जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। ने बोला कि आप अपनी मेजरमेंट चेक कर लो, तो मैं वो चेक करने जा रहा हूँ। फाइनली यार बस रोज़ा खुलने वाला है, हमारे दो बड़े रोज़ादार सबसे पहले रेडी होकर बैठे हुए रोज़ा खोलने के लिए। ये सब तुम्हारा भी रोज़ा है? रोज़ा है फिलहाल? रोज़ा रखा है आपने? रखा रोज़ा ना अली? साथ ही चुप हो जाते हैं, तब से शोर मचाया हुआ था। तो अभी बस खोलते हैं रोज़ा। कितना टाइम लगेगा फातिमा? 5 मिनट लगे बस। दुआ शुआ पढ़ लें, रोज़ा खोलते हैं, फिर जाना है नमाज पढ़ने। और यार मैं बड़ा खुश हूँ आज कि मैं पहली दफ़ा अपने घर रोज़ा खोला इस रमज़ान में। और अब खोलते हैं हम अपना रोज़ा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम बस करो, रोज़ा खोलने दो। तो यार प्यास बहुत लगी, पहले तो मैं पीऊँगा पानी। तो यार मेरे मुंह पे आ गए इतने पकौड़े बने हुए, लेकिन फिर भी मैं दिल करता है कि समोसे खाता जाऊँ, समोसे पकौड़े मिलते जाएँ। इस गर्मियाँ मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं। इसलिए ये किसने रखी हैं? दोबारा समोसे चली के मैं खो चुका अपना रोजा। यार वैसे इतना कुछ बनाना नहीं चाहिए, खाया नहीं जाता है इतना कुछ, है ना? ये पक्का तुम नहीं बनाए होंगे? हाँ वही ना, हमारे घर में सिर्फ आप ही को शामी बनाने आते हैं। जब आप ही आते हैं ट्रे बना के हमें दे जाती हैं। तो मामा जी चाट मेरी रख देना है, मैं आके खाऊंगा, ठीक है? मैं नमाज पहले पढ़ा हूँ नमाज, तो अभी मैं नमाज वगैरह पढ़ा फिर आके इसी तरह प्रॉपर ठूस के खाते हैं। और अभी नमाज पढ़ के मैं घर आया हूँ, तो मुझे उन्होंने बोला कि दोबारा जाओगे कि अभी बच्चों के सलार वगैरह के पैम्पर खत्म हो गए हैं, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। कुछ घर की चीज़ें हैं वो सारा कुछ खत्म हो गए, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था घर जाने का, इन्होंने फिर मुझे भेज दिया है। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ कि चीज़ें वगैरह लेता हूँ, फिर दोबारा घर आता हूँ। तरावी वगैरह पढ़नी है आज, तो मिलते हैं आपसे। मैं घर आ चुका हूँ बच्चों की चीज़ें लेके। ये लो, ये आपकी पैम्पर है, वो जूनी काकी की पैम्पर है, जूनी काकी आगे सुने बच्चे के सलार क्या कर रहे हो तुम? और यह जड़ा है ना सलार ना करो, सलार उतर जाओ नीचे, उतर जाओ नीचे, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, बस सलार मेरा मेरा गला गया। सलार हाई फाई करो, फिर मैं जा रहा हूँ, हाई फाई करो। ऐसे 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 तुमने अच्छा अच्छा अच्छा, बस गर्दन टूट जाएगी हमें। यार आप चाय बना दो, बड़ा दिल कर रही बात है, मुझे ठंड लगी, मैं जैकेट भी नहीं पहन गया, मुझे मस्त लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फाइनली यार चाय आ चुकी है, पता नहीं मजे की क्यों नहीं लग रही, देखने ऊपर मामा गुस्सा ही कर गया, वहाँ की बेटी को बात की है। तो अभी आप चाय पी लें। मम्मी चाट तो नहीं किसी ने खाई? खा ली मैंने। हाँ सुधार चाय गिर जाएगी ना उनकी। तो यार अभी शामी के साथ चाय आई है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आई है, अब चाय पीते हैं और शामी खाते हैं। आज तो मेरे मिली है, अब नेक्स्ट मिले हाथ मिलेगी तुम्हें। वो किस वजह से तुम अब समझ नहीं आई? ठीक, मैंने भी पी नहीं, मैंने पी बगैर वैसे मजाक किया, मजाक के अलावा बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन शामी अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा मजे के हैं। बहुत देर बाद इतनी मैं खा रहा हूँ ना, जबकि तुम बना के देखो तो उसके बाद मैं अभी खा रहा हूँ, तुमने जब बनाया तभी बनने होते हैं, मामा को तो कुछ आता नहीं बनाना। तो चाय का कॉम्बिनेशन साथ शामी हुए हुए बहुत मजा है यार। यार एक और मजे बात बताऊं, जब भी हमारे घर आप ही आते तो हमें ऐसी चीजें खाने को मिलती है, नहीं तो मामा हमें आलू गोभी के अंदर सिर्फ आलू मिर्च डाल के, कीमे के अंदर सिर्फ काली मिर्च डाल के खिला देती हैं। तो सीधे ऐसी स्पाइसी चीजें, या बिरयानी हो गई, ये पुलाव हो गया, मामा बिरयानी भी सीधी सीधी तड़के वाले चावल गोश्त फेंक, चलो जी बिरयानी बन गई। तो कसम से आप ही, मैं तो कहता हूँ आप ही तुम हर महीने में ना हमें शामी बना के दे जाया करो, बस रहा ना करो, बेशक नहीं रहना होता, तो मर्जी है तुम्हारी। नहीं यार कसम से तुम्हारे बड़ा दिल लगता है मजाक के अलावा, अगर तुमने जाना कसम से घर जैसे सुनसान हो जाना घर हमारा, तुम्हें तो शामी बना के वैसे रख के दे जाना। क्या हो गया आपको, आपको कौ है? यार अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ,
बेकरी पे रात के 11 बजे असल में एक इमरजेंसी हो गया, शुरू की ना पुप्पो बीमार हो गए हैं तो भाई उमर आए नहीं है बेकरी पे, तो हाशिम अभी तक बेकरी पे है। इसे मुझे भी बुला लिया कि तुम भी आ जाओ, मैं अगर यहाँ पे तो तुम भी मेरे साथ ही आओ। तो मैं खुद हैरान हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है कि मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग कहीं पे होती है, एंडिंग कहीं पे होती है, कोई ठिकाना ही नहीं है मेरा। और हाशिम मैं आज अपना थंबनेल जो है ना वो सोच के हंस रहा कि आज मेरा थंबनेल होना है, मैंने पहली दफा अपने घर इफ्तारी की जब से रोजे शुरू, मैंने आज पहली दफा अपने घर इफ्तारी की है। अच्छा, दो इफ्तारियां शोरूम पे और एक आपके घर निकाला हालांकि और पांच मैंने अपने घर किया। तो मैं उस सोच क्या था कि मैं अपना थंबनेल क्या रखूं, आज पहली दफा अपने घर इफ्तारी की। तो गाइस फिर अभी हम ब्लॉग की एंडिंग में ये पे करते हैं, होप सो यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस प्रेस बेल आइकन, नहीं यार गलत हो गया तुम्हारा बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस, नहीं कौन है ये लोग कहां से आते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।